आज सीबीआई ने जो उनको अरेस्ट किया था, जिसकी जमानत पे सुनवाई थी और वकील भी आज एब्सेंट है, और कल जैसे ही इनको अनुमान होगा कि आज इनके पास कोई तर्क तथ्य और सबूत तो थे नहीं, तो कल ईडी द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। तो ये पूरा का पूरा वाकया दिखा रहा है कि इतने महीने हो गए और आप हर दो महीने पे बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान और मीडिया के भी जो चीजें उठाएंगे इनके बयानों के आधार पे, वो दिखता रहेगा कि वो इस टाइम क्या, ये खुद ही अलग अलग बताते रहेंगे, इनको खुद नहीं पता है ये हुआ क्या है, क्योंकि इस पॉलिसी में ऐसा कुछ है ही नहीं है, ना इनके पास कोई तथ्य है ना कोई सबूत है। एक साल से जांच करा रहे हैं, एक साल से। अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है और ऐसे ही सारी कार्रवाई हो गई, तो क्या अदालतों को ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती? जो जजेस साहिबान है उनको ये दिखाई नहीं देती, तो राहत क्यों नहीं मिल रही? नहीं, निश्चित तौर पर उनको दिखाई देती है, तभी आज समझिए कल अभी सीबीआई, अगर इनको इतना ही विश्वास था तो ये सीबीआई के माध्यम से चलने देते। बात दूसरी बात, जजेस तो देखिए, कोर्ट तो निष्पक्ष रूप से कार्य करता है एजेंसियों के आधार पे, सबके आधार पे। मैंने आपको मैंने पिछली भी डिबेट में आंकड़ा दिया, 178 मुकदमे हमारे सांसद पे, मंत्रियों पे, विधायकों पे हुए हैं, 138 में बरी हो गए हैं, कुछ मामले लंबित है, क्या उनमें भी तो कोर्ट तो दिखाए, कोर्ट हमारे पक्ष में था। लेकिन यही बात है कि क्या आज की सत्ता तानाशाही का दौर करेगी? विपक्ष में जो लोग हैं सब पे केस डालते जी, इनको अपने नेता दिखाई नहीं देते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा नारायण दाने दिखाई नहीं देते हैं, सुभेंदु अधिकारी दिखाई नहीं देते हैं, ईडी में अभी 8 करोड़ का एक कर्नाटक का विधायक, 8 करोड़ कौशल जी तो कह रहे हैं ना, कौशल जी को जमानत ले आता है। सर्वेश कौशल जी तो इस बात को साफ कह रहे हैं, इस नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति करेंगे और कानून अपना काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है सामने 2024 का चुनाव भी है, और अगर उसके लिए अगर उनको फायदा मिलता है तो फायदा कोई भी राजनीतिक दल उठाने से चुकेगा नहीं। राजा साहब, निश्चित तौर पे आप सही बता रहे हैं, लोकतंत्र में जितनी भी तानाशाहियां होंगी उन सबसे तानाशाही का सबसे बड़ा दौर है। 8 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास पाया जाता है, उसके पास ईडी नहीं पहुंचती है, ये नहीं पूछती 8 करोड़ कहाँ है। मनीष सिसोदिया के घर 8,000 रुपए भी नहीं पाए लोग, उनको ईडी अरेस्ट करके ले जाती है, यही तानाशाही का दौर है, इसी को बता रहे हैं। आज विपक्ष इकट्ठा होकर लिख रहा, तो इसीलिए लिख रहा है कि आपका विधायक घर बैठे बैठे जमानत पा लेता है, ये मोदी जी तानाशाही है, ये भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों को अपने कार्यालयों से संचालित कर रहे हैं, ये सीबीआई और ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये भी मुख्यमंत्री गुजरात थे तो इनको भी पता था कि सीबीआई कैसे चलाई जाती है, उस समय इनको लगता था कि तानाशाही का दौर है, आज जब इनके हाथ में सीबीआई और ईडी आ गई है तो तानाशाही के दौर को पार कर चुके हैं। ईडी सीबीआई हर उस दल के पास होती है जो केंद्रीय सत्ता में होता है, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी आई है तो उसके अधीन नहीं होगी ईडी या सीबीआई, वो सत्ता में कोई भी होगा उसके अधीन होगी। मैं आऊंगा वापस, मेरे साथ अनूप सांडा जी बैठे हैं, सपा भी लगातार, आपके जो मुखिया है वो लगातार जो है सत्ताधारी दल बीजेपी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये जो चीज़ें हो रही हैं आपको वो डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमें चुनाव से पहले पहले लेटडाउन कर दिया जाएगा या मैच से बाहर कर दिया जाएगा और एक तरफा मैच हो जाएगा, ये डर सता रहा है? यह वाकई जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आपका सवाल बिल्कुल लाजमी और ज़रूरी है। समाजवादी भय खाने वाले लोग नहीं होते जी, और हम तो बात करना चाहते हैं देश के लोकतंत्र की रक्षा की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की राजनीतिक संतान है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिटलर और मुसोलिनी का प्रशंसक और समर्थक रहा है, और आप भी जानते हैं कि हिटलर के प्रचार मंत्री का कहना था कि एक झूठ को 100 बार दोहरा दो तो सच साबित होने लगता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई आयकर इन सब का बेजा इस्तेमाल करके देश की जनता के मन में यह भ्रम पैदा करना चाहती है कि विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी तानाशाही विचारधारा है जो अपनी तानाशाही को छुपाने के लिए, अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए ईडी का, सीबीआई का, आयकर का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले कांग्रेस से वो आसाम में जल संसाधन मंत्री थे, एक वाटर स्कैम का मामला उनके खिलाफ उठा था,
और उसमें बीजेपी ने बुकलेट छपवा करके पूरे आसाम में बांटी थी। ठीक है, आज वो हेमंत बिस्व शर्मा भाजपा में आने के बाद ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हो गए। और भाजपा के लोग जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस मांगते पकड़ा गया हो खुलेआम स्टिंग ऑपरेशन में, 1 लाख रुपए की घूस मांगते, उस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की रफ्तार को धीमा करने के लिए। लेकिन अनूप जी, आप क्यों घबरा रहे हैं? सपा क्यों घबरा रही है? अखिलेश यादव क्यों घबरा रहे हैं? आपके खिलाफ कोई ईडी सीबीआई का इस्तेमाल तो हुआ नहीं, या लग रहा कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए। देखिए, मैंने पहले बात कही कि सवाल देश के लोकतंत्र का है। ठीक है, क्या ये अगर किसी दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो हमको नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बोलना चाहिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। मतलब हम डर रहे हैं? आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। एक सवाल छोटा सा मैं आपसे करना चाहता हूँ, मेरी बात थोड़ी साफ हो जाएगी जी। आप अपने स्टूडियो से निकले और हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही आपसे लाइसेंस मांगने लगेगा। ठीक है, क्या आपको खींच नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आपको नहीं लगेगा कि मेरा काम बाधित हो रहा है? ठीक वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जांच 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 जांच। और ये भी याद रखना होगा कि 2014 से 2022 के बीच में ईडी ने 3000 अपने छापे मारे हैं, और उस 3000 छापों में मात्र 23 लोग अब तक हैं जो एक्यूज हुए हैं, जिनके खिलाफ आरोप साबित हुए हैं, यानी 1% से भी कम है। तो जब जांच एजेंसियों की ईडी कोई पुलिस और होमगार्ड थोड़ी ना है। ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, ये तो मुझे लगता है इनके तो कन्विक्शन का परसेंटेज 100% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 0.8% कन्विक्शन रेट हो और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता महोदय बड़ी छाती ठोंक करके कहें कि हम तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, उसकी रफ्तार को धीमा करने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, देश की घटती विकास दर से जनता का ध्यान हटाने के लिए ईडी सीबीआई और आयकर विभाग की आड़ लेकर के विपक्ष को दबाना चाहती है और जनता को भ्रमित करना चाहती है। विपक्ष को दबाना चाहती है। क्या कहेंगे कौशल जी, क्या ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी जो है अपने विपक्षी दलों को सिर्फ उलझाए रखना चाहती है, ताकि उनकी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो मंद पड़ जाए, खत्म हो जाए, और आपकी पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है तो 2024 की दहलीज आ जाएगी और आप पूरी तरीके से मैदान में होंगे? पहले तो ये जो एक कहा जा रहा है ना कि केवल विपक्ष के ऊपर और पर्टिकुलर पार्टीज का नाम, मैं कुछ आंकड़े बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ईडी के 2014 से लेकर अभी तक के किस किस पॉलिटिकल पार्टी पे कितने छापे पड़े उनकी लिस्ट बता रहा हूँ। कांग्रेस पे 24 पड़े हैं और बीजेपी के सेल्फ लोगों पर 6 पे पड़े हैं, आपकी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। टीएमसी में 19 पड़े हैं, आरजेडी में 5 पड़े हैं, एनसीपी पे 11 पे पड़े हैं, बीएसपी पे 5 पे पड़े हैं। ठीक है, शिवसेना 8 पड़े हैं, एसपी पे 5 पे पड़े हैं, डीएमके के 6 पे पड़े हैं, बीजेडी के 6 पे पड़े हैं, टीडीपी के 5 पे पड़े हैं और आपके 3 पे पड़े हैं। तो यहाँ पर अभी तक क्या होता था, पहले राजनीति क्या होती थी, खाओ और खाने दो, जनता का खून चूसो और सब मिलजुल के खाओ। मोदी जी आए, उन्होंने अपना नारा याद कीजिए कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और न वो खा रहे हैं और न खाने दे रहे हैं, ये फर्क आया है। अभी तक क्या होता था, अभी तक अपराधी, राजनीतिक दल, नेता सब मिल करके जनता का खून चूसते थे, और ये इससे पता चलता है कि राजीव गांधी पार्लियामेंट के पत्रल पर खड़े होके कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ते में खर्च हो जाता था, वो रास्ते में यही सब मिलजुल के खाते थे। अच्छा, वो खत्म हो गया है, डीबीटी ट्रांसफर से सब सीधा पैसा जा रहा है, करप्शन खत्म हो गया। तो लेकिन ये बात तो आपके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी कही। बीच में कौशल जी, ये बात तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत ने भी कही। क्या चीज, अपनी सरकार पे इल्जाम लगाया कि कमीशन खोरी हो रही है। तो जो उसको भी जिसके पास सबूत है, जैसे हमारे बीजेपी के नेता जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उन्होंने अपने सबूत लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर विपक्ष की, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के अगेंस्ट
केस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद उनको बेल पे छोड़ा हुआ है।